तो अभी हम दरभंगा स्टेशन पर ही हैं, चचा मिले हैं। चचा कह रहे हैं कि इनको भाजपा वाले ने सब दिया है। एक चचा उनको दिखा दीजिए, वो हमारे पास आएंगे। वो कह रहे हैं कि सरकार ने कुछ नहीं दिया। क्या करते हैं पहले पहले बताइए, क्या करते हैं आप? हम बिजनेस करते हैं अपना। किस चीज का बिजनेस? गाड़ी घोड़ा का। गाड़ी घोड़ा कौन गो है आपके पास? दो तीन गो है। कौन सा गाड़ी? टेम्पू है। टेम्पू तीन गो है। तो भाजपा वाला अच्छा काम किया आपके हिसाब से? हमको जो सब कुछ दिया है ये सरकार। कौन सरकार? मोदी सरकार। तो मोदी जी की सरकार है, नहीं नीतीश जी की सरकार है ना जी? हाँ, रोड दिए हुआ, नाला दिए हुआ है, पानी दिए हुआ है, बिजली दिए हुआ है। और हमको क्या देगा वो? पनिया पानी अब स्टेशन पर अच्छी से लगता है, तो वो नाला रोड पर चलिए देखिए सब लगा हुआ। आप ही कह रहे हैं कि नीतीश जी बढ़िया काम किए हैं? रोड हमको दे दिया। रुकिए ना, बतियाइए तो बढ़िया था। रुकिए ना आप, नीतीश जी बढ़िया काम किए हैं? हाँ, काम किया है। ए रुक जाइए मत, ये गलत बात है, बोल के भाग रहे। फिर मोदी जी का भक्त लोग नहीं भागता इधर, ये मुंह में क्या बोले बताइए? हम क्या बोलेंगे, नाला बिजली सब तो पहले से है। सरकार मुझे ऐसा चाहिए जो गरीबों को लेके चले देखे। आज बोलने का हक भी दिया है तो लालू प्रसाद ने दिया है। अच्छा। ये दारू शराब बंद करके हम लोग को तो आर जान मार दिया कि अभी कहाँ नहीं बिकता है दारू शराब, घरे घरे बिक रहा है। वो भी आवा ना हो, है ना वो भी होम डिलीवरी बिक रहा है। पहले लाइसेंसी था तो 30-35 रुपया में मिलता था, अभी साला 200-150 में मिलता है। कहाँ से गरीब आदमी पिएगा? अब एक मिनट अब बताइए, दारू पर बोलिए। दारू हम आप नहीं जानते हैं क्या हुआ बोले ना, देखो ना होना कैमरा। हमको कोई मतलब नहीं है, हमको रोड। सुनिए सुनिए, ये कह रहे हैं कि दारू बंद कर दिए हैं तो अब ब्लैक का कमाई बढ़ गया, ये कह रहे हैं? नहीं देखिए, हमको दारू से कोई मतलब नहीं है, हमारा रोड नाला बिजली पानी चार गो चीज से मतलब है। कौन ऐसा कौन सा रोड है जो बना दिया गया है दरभंगा में, कोई नया रोड? आ पानी तो ये बढ़ रहा है, देखिए स्टेशन पे। लालू जी के राज में, लालू जी के राज में लहरिया से बस स्टैंड से लहरिया से राय तक नदी था। अभी अभी एकदम एक ग्रेड का रोड है। बोल रहे हैं कि लालू जी के राज में नदी था। अरे लालू जी के राज में नदी था तो कम से कम पानी का सुविधा तो था। आज जो नीतीश कुमार के राज में होम डिलीवरी दारू घरे घर बिक रहा, बच्चा गजेरी हो गया 10 साल 12 साल का बच्चा। क्या दिया नीतीश कुमार? सुलेशन दे रहा है, उसके ऊपर से बैटनर सूंघ रहा है। क्या दिया नीतीश कुमार बता? बोलिए बोलिए बोलिए। अच्छा नहीं नहीं छोड़ के जाने। और मोदी जी वादा किए थे 2014 में कि काला धन लाएंगे, 15-15 लाख रुपया देंगे, किस गरीब को दिया है? अब अच्छा। बिहार में कोई ऐसा फैक्ट्री खुलवा दिया हो, या किसी दोस्त को रोजगार दे दिया हो, या किसी को खाना दे दिया हो, या किसी को कपड़ा दे दिया हो। अच्छा। जो जरूरत है जनता को वो मिल रही ना, मिल नहीं रहा। जो नहीं जरूरत है वो होम डिलीवरी हो रहा है। गरीब को क्या चाहिए? कपड़ा चाहिए, खाना चाहिए, लत्ता चाहिए, ना कि उसको दौलत चाहिए उड़ाने के लिए। बस इतना मिल जाए गरीब के लिए बहुत बड़ी बात है। और क्या चाहिए? कोई ऐसा गरीब है जो 42 रुपए डीजल था 2014 में, आज 80 रुपए डीजल है। जो चावल हम 25 रुपए खाते थे, आज वो चावल 30 रुपए है। तो क्या दिया? क्या दिया? मन छोड़ के इसीलिए भागे, कहे कि चाचा जी बीजेपी के भक्त, उनको कुछ मिल नहीं रहा हो गया। तो उनको जो मिल रहा है तो खुश है। बाकी ये जनता को यहाँ पे इतना है, बताइए कोई अगर खुश हो तो बता दीजिए। बोला हूँ कोई खुश है? क्या मिलेगा हम लोग का? कुछ कहाँ मिला, हम लोग तो भूखे मर रहे हैं। हाँ, टेम्पो में देखिए भाड़े उड़ने होता है, हर जगह जगह चेकिंग होता है, होता है न। यहाँ पर जो है सो भूखमरी एकदम छायल रहता है। आदमी आता है, भर दिन ड्यूटी कर लेता है, उसके बाद शाम में जाता है तो 1 करोड़ रुपया नहीं घर पे लेके जाता है। ऐसा एक कागज नहीं होने पे सीधे कहता है 2200 रुपया ला, 2500 रुपया ला। आदमी रोटी रोटी के लिए परेशान है। जो आदमी को चाहिए वो वक्त पे मिल नहीं रहा, जो नहीं चाहिए वो दे रहा। हम लोग टेम्पो ड्राइवर है, बताइए टेम्पो ड्राइवर को इंश्योरेंस महंगा कर दिया, फिटनेस महंगा कर दिया। कौन ऐसा चीज जिसपे पैसा नहीं बढ़, हर चीज पे आधा डबल दाम। अब रुक जाइए रुक जाइए। आपको लगता है कि तेजस्वी जी आएंगे तो सब सस्ता हो जाएगा? देखिए तेजस्वी जी जो आएंगे, सुनिए मेरी बात सुनिए, तेजस्वी जी जो सरकार आएंगे कुछ करे ना करे, मगर इतनी महंगाई नहीं रहेगी जितनी अभी 60-50 रुपए प्याज है, 60 रुपए बैगन है। ऐसा नहीं था केंद्र में, अगर कांग्रेस की सरकार थी भली वो चोर थी मगर सबको खिलाते थी। आज बीजेपी मतलब की नहीं, नहीं, बोल, रुक 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 मैंने चोरी करके सबको खिलाती थी। हाँ ठीक है, चोरी ही करके केंद्र में कांग्रेस की सरकार। आप बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं। अब बीजेपी की सरकार आई है केंद्र में तो क्या दिया 2014 से लेकर अभी तक? कुछ ऐसा चीज है जो कहीं फैक्ट्री खुलवा दिया, 10 को नौकरी दे दिया हो, या किसी ऐसे को घर दे दिया हो, या किसी ऐसे को कपड़ा दे दिया हो? कोई ऐसा बता दे, यहाँ पे इतना व्यक्ति खड़ा, अगर कोई कह दे तो हम मानते हैं। अच्छा एक और बात बताइए, आप हमको ठीक बोल रहे हैं आप सब।
ये बताइए कि लोग कहता है कि लालू जी के राज में जंगल राज था, बिल्कुल सही, अपहरण हो जाता था, पहले हमको बोल लेने दीजिए, अपहरण हो जाता था, किसी का भी शोरूम खुलवा के गाड़ी लोग निकलवा लेता था, तो वही राजा फिर से चाहते हैं। एक बात बताइए, वो लालू जी थे जो जो किया उसका करनी तो भुगत ना, कोई जरूरी नहीं कि उसका बेटा वैसा करेगा। उसका बेटा ऐसा नहीं करेगा, ये कोई जरूरी नहीं है, मगर तो मोदी जी तो वादा करके, नीतीश कुमार घर खुद तो है ये है, बाकी सब नहीं, 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 क्या, 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 खुद क्या है? गांजा गांजा घर घर बेचवा दिए, नीतीश कुमार जी क्या छोड़िए ना, जो भी है वो है, गांजा बेचवा दिए, दारू होम डिलीवरी घरे घर बिक रहा है, तो कम से कम ये तो है कि युवा है, युवा का साथ देगा, ये तो है। दारू कहाँ बंद है बताइए, आप भी बिहार के रहने वाले है ना, हमने पीता हमको क्या पता, आप बिहार के रहने वाले है ना, बताइए इतना तो आपके घर बाजू में जरूर होम डिलीवरी दारू हो रहा है, ऐसा है कि नहीं हो रहा होगा? हाँ होम डिलीवरी, नहीं बच्चा पी रहा होगा तो क्या कीजिएगा, वो तो चल, मगर ये नहीं है कि तेजस्वी नहीं कर, बाप अगर खराब है तो जरूरी को ना कि उसका बेटा भी वैसा ही होगा। बेटा वैसा नहीं, आप सब लोग तेजस्वी को इसे भरोसा करेंगे? कर रहे हैं, सब कर रहा है, जितना है यहाँ पे सब पूरे करेंगे हम लोग भरोसा। अच्छा, सब करेंगे, क्या क्या देंगे तेजस्वी जी आपको? जो देंगे, जो तो सबको ना देंगे, गरीब को क्या चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, गरीब को क्या चाहिए, विकास चाहिए, विकास तो हो रहा। पहला वर्ल्ड का पहला रेल मंत्री था लालू प्रसाद, जो पहला बजट दिया 1,000 10,000 करोड़ का, दूसरा दिया 15,000 करोड़ का, तीसरा 20,000, चौथा 25,000 करोड़ का। अच्छा। ममता बनर्जी की सरकार जब रेल मंत्री बनी थी तो लालू जी को अंदर करेंगे, अंदर कहाँ है, लोहे बेच के, कवारा ही बेच के, आखिर दिया ना फायदा। दो ही ऐसा रेल मंत्री वर्ल्ड में है जिन्होंने फायदा किया, एक वो था जो कोई बना था मुस्लिम था, जिन्होंने ना लिया ना दिया, जितना पे लिया था छोड़ दिया। पहला रेल मंत्री है पूरे वर्ल्ड में लालू यादव जो कमा के दिया, मगर जो उन्होंने गुनाह किया उसका सजा वो काट रहे हैं, ये तो तय है। मैंने आप मानते हैं कि वो गुनाह किए? इतनी छोटी जाति है, सबको आजादी भी वही दिलाया, कुर्सी पे बैठने का भी वही दिया अलाव, नहीं तो चप्पल उतार के जमीन में बैठता था, बड़ी जाति पर कुर्सी पे बैठता था। ये भी वो दिन जो भी होगा यहाँ पर इस बात को जानता होगा जो 30 साल पीछे जाके देखेगा, तो 30 साल पीछे जाइए तो आजादी लालू नहीं दिलाया आपको, हम गुनाह किए तो जरूरी है हमको सजा काटेंगे, भगवान देगा, इंसान कोई किसी को सजा नहीं देता, भगवान देता है, जो जैसा करेगा वैसा करेगा। अगर मैं अपने माँ बाप के साथ गलत करता हूँ तो मेरा औलाद भी मेरे साथ गलती करेगा, मगर ये जरूरी नहीं है कि अगर मैं अपने माँ बाप के साथ करूंगा अच्छा तो कर, जो किया वो लालू जी ढा रहा, अब उनका औलाद आया, जाहिर सी बात हो सकता है युवक है बेहतर करे, उसकी सोच उससे अच्छी होगी, उसकी बढ़त उससे अच्छी होगी। मैंने मिला जुला के आप लोग यही कह रहे हैं कि इस बार नीतीश जी नहीं, नहीं नहीं नहीं, उनको तो छोड़ होम डिलीवरी, वो कोई भी आदमी कह दे कौन कोने में दारू नहीं बिक रहा है, आज जो 50 का मिलता था अब 500 का मिल रहा है, लेडीज को भी धोखा दिया, लेडीज को बोला हम दारू बंद करवा रहे हैं, आज लेडीज बेचारी परेशान है, तो क्या रह गया दुनिया, कुछ नहीं है बिहार में। दारू ज्यादा जरूरी है कि हॉस्पिटल? हॉस्पिटल जिससे आदमी जिंदा रहेगा वो चाहिए, दारू क्या करेगा आदमी, दारू से तो सेहत खराब हो रहा है। आपके यहाँ एक डीएमसीएच है, उसका स्थिति क्या है? डीएमसीएच की स्थिति कल भी वैसी थी आज भी वैसी है, कल भी पानी लगता था इतना, आज भी इतना पानी लग रहा है, जाके घुमाए ना हम घुमाइए, देखा ये ना इतना इतना पानी अभी भी मिलेगा, और अभी क्यों, थोड़ा बरसात हो जाए 1.5 घंटा तब जाके स्थिति देख लीजिए, पूरा इलाके देख लीजिए ना कि दरभंगे साला डूबल है, कैठो रोड बना दिया बाबा बाबा बोल के गए पता नहीं कैठो रोड बना दिया, हमको नहीं लगता है कि अभी तक। हाँ मित्र, यहाँ के जो विधायक है संजय जी आते होते हैं, संजय सर आपकी जी नेता है भाई, उनका तो आना जाना लगा रहेगा, उनको कौन रोक देगा, हमारे पास आएगा हम उसका गोर छुएंगे, जान बचाना है ना, नेता क्या गाड़ी है घोड़ा के पिछाड़ी, कभी नहीं आना है भाई, कब लात मार देगा कौन जानता है। चलिए, ये दरभंगा है, सब लोगों का लोकतंत्र में ये विचार होता है कि वो अपने विचारों को सही तरीके से प्रस्तुत कर सके, ये उनका अधिकार है। इन लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार ने होम डिलीवरी कर दिया, औरतों को धोखा दे दिया। मेरे पास इसका जवाब नहीं था क्योंकि मैं जहां भी गया हूं लोगों ने यही कहा है कि जिस दारू के नाम पर नीतीश जी वोट मांगते हैं वो दारू बंद हुआ ही नहीं है। ये एक वो सच्चाई है जो सरकार तो नहीं मानेगी लेकिन जमीन पर जो लोग हैं उन्हें पता है कि सच क्या है, और जाकिर खान के अंदाज में कि जिन्हें पता है उन्हें तो पता है। अब बाकी मैं प्रशांत राय हूँ, कैमरा के पीछे वरुण झा है, अपन अभी दरभंगा घूम रहे हैं, आप जनता जंक्शन देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।